इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। अब भागलपुर डीएम भी हुए कोरोना से संक्रमित, इलाज हेतु पटना रवाना। लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या में शनिवार को जिलाधिकारी का भी नाम जुड़ गया। डीएम कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए पटना रवाना हो गए। बताते चलें कि इनके स्वस्थ होने तक अपर समाहर्ता राजेश झा राजा डीएम के प्रभार में रहेंगे। डीएम ने खुद इस आशय का आदेश जारी कर जानकारी दी है। डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानीय चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर जाने की सलाह दी है, इस कारण 11 जुलाई की तिथि से बाहर जा रहे हैं। इस दौरान अपर समाहर्ता राजेश झा राजा डीएम के प्रभार में रहेंगे। डीएम के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना के बाद समाहरणालय परिसर में खलबली मच गई है। वरीय अधिकारी भी अब कोरोना जांच कराने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले कर्मचारी भी जांच कराने की तैयारी में जुट गए हैं। लॉकडाउन में फरार अपराधी की आई सामत, भागलपुर पुलिस ने बैंड बाजे के साथ पहुंचकर घर में चिपकाया इश्तेहार। भागलपुर में कोरोना का कहर और लॉकडाउन के बीच फरार अपराधी को गिरफ्तार करने में पुलिस जी जान से जुड़ी है। अलग अलग कांडों में पुलिस फरार अपराधियों का कुर्की के लिए न्यायालय से वारंट जारी करवाकर आरोपियों के घर में इश्तेहार चिपका रही है। इसी क्रम में शनिवार को बबरगंज थाना की पुलिस ने विभिन्न कांडों में पिछले एक साल से फरार चल रहे अपराधियों के घर पर बैंड बाजे के साथ पहुंचकर इश्तेहार चिपकाया है। नवगछिया में सड़कें सूनी, मायूस हैं लोग। नवगछिया में बड़ी संख्या में लोगों के कोरोना से संक्रमित हो जाने के बाद बिना किसी प्रशासनिक सख्ती के दिन भर सड़कें सूनी रहती है। देर शाम मार्केट में भीड़ अवश्य दिखती है, लेकिन पहले जैसी नहीं। लोग अपने अपने घरों में ही बंद रहते हैं। अधिकांश लोग मास्क और गमछा लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ नवगछिया में सभी तरह के व्यवसाय पर इसका असर पड़ा है। व्यवसायियों ने कहा कि उन लोगों ने मंदी देखी है, लेकिन ऐसी मंदी आज तक नहीं देखी है। कई दुकानदार ने कहा कि चोरी छिपे अगर वे लोग दुकान खोल भी लेते हैं तो ग्राहक आते ही नहीं है। जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, सीएनजीएन के श्री धर्मराज चंद्रगुप्त शाह, अशोक केडिया, विक्रम भुडोलिया, फाइटर जेम्स गौतम कुमार यादव ने नौगछिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए नौगछिया में ही कोरोना केयर सेंटर की स्थापना करने की मांग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से की है। नौगछिया में 3 न्यायालय कर्मी समेत 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। नौगछिया में शनिवार को 3 न्यायालय कर्मी समेत कुल 6 लोगों के कोरोना से संक्रमित हो जाने की सूचना है। 6 में से कोई 4 लोगों को नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के माध्यम से एम्बुलेंस से कोरोना सेंटर भेज दिया गया है, जबकि 2 लोग को होम क्वारंटीन में हो जाने की बात कहते हुए कोरोना केयर सेंटर से मना कर दिया है। शहर के 3 संक्रमित लोगों में 1 भगत पट्टी निवासी है एवं 2 मुख्य सड़क का निवासी है। जानकारी मिली है कि दोनों संक्रमित लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे लोग किसी भी सूरत में बाहर नहीं दिखें और अपने घर के लोगों से भी डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। वहीं बताते चलें कि मुमताज मोहल्ला में 4 दिन पहले संक्रमित पाए गए 10 लोगों को अब तक कोरोना सेंटर केयर नहीं भेजा जा सका है। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक ए के सिन्हा ने बताया कि उनके स्तर से पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी को लिखित रूप से जानकारी दे दी गई है। घर से निकले तो मास्क लगा ले, नहीं तो लगेगा ₹50 का जुर्माना। नौगछिया शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कारण लोगों में भय व्याप्त हो गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के बाद प्रशासन लॉकडाउन के नियमों के पालन करवाने को लेकर लगातार निगरानी कर रही है। शहर की सड़कों पर प्रशासन द्वारा लगातार जाँच अभियान चलाया जा रहा है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन शहर में घूम घूम कर निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा सख्ती के बाद नौगछिया शहर भी पूरी तरह से बंद है। वहीं शहर में मास्क जांच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क पहन बाहर निकलने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। 24 घंटे में 40 सेंटीमीटर की वृद्धि होने से कोसी नदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर। पिछले 24 घंटे में कोसी के जलस्तर में 40 सेंटीमीटर की वृद्धि होने से मदरोनी के निचले हिस्से में कोसी नदी का पानी फैलने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। खेतों में लगी फसल भी डूबने लगी है। बताते चलें कि मदरोनी में लगभग 1500 मीटर में बांध नहीं रहने के कारण रंगरा प्रखंड के 3 पंचायत प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि होने के कारण इस्माइलपुर बिंटोली के बीच स्थित अस्पर संख्या 6 पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है।
लोक देवता काशी बाबा की नई आकर्षक प्रतिमा का किया गया प्राण प्रतिष्ठा। सोशल डिस्टेंसिंग में किए गए सभी आयोजन। नौगछिया प्रखंड के रामनगर गांव में बिंद जाति के लोक देवता बाबा काशी की नई आकर्षक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि विधान से की गई। इस अवसर पर 51 नव विवाहितों महिलाओं एवं नव युवतियों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के क्रम में कोशी नदी से जल भरकर काशी बाबा के मंदिर में रखा गया। उसके बाद पंडितों के एक दल ने विधिवत पूजा आराधना कर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूजा संपन्न किया। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल एवं न्यायालय परिसर को किया गया सैनिटाइज। शहर में कोरोना संक्रमण की बढ़ते मरीज की संख्या को लेकर नगर पंचायत द्वारा लगातार शहर में सैनिटाइज कराया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने कहा कि नगर पंचायत के सभी 23 वार्ड में सैनिटाइज किया जाएगा। इसको लेकर अलग अलग वार्डों में नगर पंचायत द्वारा सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है। शनिवार को नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल व्यवहार न्यायालय सहित शहर के वार्ड संख्या 12, 13 एवं 14 में सैनिटाइज किया गया। उन्होंने कहा कि बचे हुए वार्ड में भी जल्द ही सैनिटाइज का कार्य करवाया जाएगा। ब्रह्मोत्तर बांध का निर्माण अधर में प्रखंड मुख्यालय गोपालपुर सहित पूरे प्रखंड में बाढ़ का बढ़ा खतरा। गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय सहित पूरे प्रखंड को गंगा व कोसी नदी की बाढ़ से बचाने वाला ब्रह्मोत्तर बांध का पुनर्निर्माण नहीं कराए जाने के कारण पूरे प्रखंड में पुनः बाढ़ के पानी के प्रवेश करने की संभावना बढ़ गई है। बताते चलें कि डीएम प्रणव कुमार ने सैदपुर के ग्रामीणों की मांग पर मनरेगा से ब्रह्मोत्तर बांध की मरम्मत करवाने का निर्देश दिया था ताकि प्रखंड मुख्यालय सहित पूरे प्रखंड को बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सके। डीएम के निर्देश पर डीडीसी मनरेगा पीओ को तत्काल बांध की मरम्मत करवाने को कहा, परंतु मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा से इस बांध का निर्माण तकनीकी कारणों से नहीं कराए जाने की बात कह मनरेगा पीओ ने अपना पल्ला झाड़ लिया। वीडियो प्रियंका ने बताया कि संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रखंड मुख्यालय के सभी कार्यालय को सुरक्षित नव निर्मित आईटी भवन में शिफ्ट करने को कहा जाएगा। नौगछिया के खरीक में आशा सहित 3 कोरोना पॉजिटिव। नौगछिया के खरीक में कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खरीक में दुरुगंज की एक वरीय आशा कर्मी सहित 3 लोगों का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसमें एक युवक यमुनिया का और एक युवक सुरहा का है। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड सेंटर भागलपुर भेज दिया गया है। बीते 7 जुलाई को 50 लोगों का जाँच के लिए सैंपलिंग लिया गया था, जिसमें शनिवार को 3 लोगों का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। नवगछिया के नगरा में गुमटी रखने को लेकर हुई मारपीट। शनिवार को नौगछिया थाना क्षेत्र के नगरा जमालपुर टोला में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुआ। नौगछिया थाने में एक पक्ष के उपेंद्र सिंह ने आवेदन देते हुए निरंजन सिंह, सुरेंद्र सिंह, मुन्ना सिंह पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, घटना को लेकर जाँच की जा रही है। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787 7325052437 पर। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट।